सोचिए आप एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में बैठे हैं, चारों तरफ बहुत शांति है और आपको ऐसा लगता है इस बगीचे को एंजॉय करने के लिए आपके पास पूरी दुनिया का वक्त है। जब आप इस बगीचे में चारों तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर एक लाइट हाउस भी है जो कि 6 मंजिल ऊंचा है। अचानक उस बगीचे की शांति एक तेज आवाज से खत्म हो जाती है। जब आप आवाज की तरफ ध्यान देते हैं तो आप देखते हैं कि लाइट हाउस का एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से 9 फुट लंबा सुमो बाहर निकलता है और उसके बाद बगीचे में इधर उधर घूमने लगता है। उस सुमो पहलवान ने रस्सी से बनी एक पतली सी लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहना है। इधर उधर घूमते हुए उस सुमो को एक खूबसूरत सी स्टॉपवॉच दिखती है जो कि शायद कोई सालों पहले वहां भूल गया था। उस सुमो का पैर उस स्टॉपवॉच पर पड़ता है और वह पहलवान तेज आवाज करते हुए फिसलकर नीचे गिर जाता है। फिर वो पहलवान बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहता है मानो अब उसमें कोई जान ही ना हो। तभी गुलाब के कुछ फूलों की बहुत ही खूबसूरत खुशबू उसकी सांसों में आती है, उसे एनर्जी मिलती है और वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपनी बाईं तरफ देखता है जहां उसे छोटे छोटे खूबसूरत हीरों से बना हुआ एक रास्ता दिखता है। वो उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है जो कि उसे पूरी जिंदगी के लिए खुशियां दे देता है। कहने को तो ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में बताई हुई सातों बातें जिंदगी के बहुत ही अनमोल सबक देती हैं। एक बगीचा तभी खूबसूरत होता है जब उसमें अच्छी खाद, पानी और अच्छी देखभाल की जाए। अगर उस बगीचे में आप कचरा डालते हैं या फिर उसमें ऐसी चीजें आने देते हैं जो कि बगीचे के लिए अच्छी नहीं है, तो उस जगह की खूबसूरती कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। ये खूबसूरत गार्डन हमारे दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे दिमाग में निगेटिव थिंकिंग, निराशा या कल की बुरी बातों का कचरा जमा होता रहेगा तो हमारे दिमाग का गार्डन कभी भी खूबसूरत नहीं हो पाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने दिमाग में एक भी निगेटिव थॉट ना आने दें, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, सफल होने में मदद करेगा। हम बात करें लाइट हाउस की, तो आप सभी जानते हैं इसका काम होता है जहाजों को रास्ता दिखाना और उन्हें सही रास्ते पर रखना। कोई भी जहाज अंधेरे में आगे बढ़ेगा तो वो चट्टानों से टकराकर बिखर सकता है। यही बात आपको अपनी जिंदगी में भी याद रखना होती है कि आप किसी भी मंजिल पर तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास एक मंजिल हो और उसे पाने के लिए आप सही रास्ते पर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर लाइट हाउस को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा अपने मकसद को तय करिए और उसकी तरफ बढ़िए। जरूरत पड़ती है तो आप किसी से मदद भी लीजिए, लेकिन अपने मकसद को कभी भूलिए मत। इस कहानी में हमें एक सुमो पहलवान भी दिखा था जो कि 9 फुट लंबा और बहुत ही ताकतवर था। किसी भी सुमो पहलवान का वैसा शरीर लगातार इम्प्रूवमेंट करने के कारण ही होता है। एक जापानी शब्द है काइजन, जिसका मतलब होता है लगातार बेहतर होते रहना। सुमो पहलवान भी यही करते हैं, वो हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं और कल्चर के साथ नई बातों को सीखने के लिए भी तैयार रहते हैं। अपनी जिंदगी में खुशियों और सफलता के लिए आपको भी यही ध्यान रखना होगा कि आप खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें। हम सभी में कमियां होती हैं और अगर हम उन कमियों को पहचान लेते हैं तो उन्हें आसानी से दूर कर सकते हैं। तो हमेशा नई बातों को सीखने के लिए क्यूरियस रहें और अपनी ग्रोथ को कभी भी रुकने ना दें। आपको ये भी याद होगा कि उस पहलवान ने सिर्फ एक पतली सी लंगोट पहनी है जो कि रस्सी से बनी है। अब अगर ये लंगोट उसका साथ छोड़ देती है तो हमारा सुमो पूरी तरह से नेकेड हो जाएगा और हम उसे आसानी से अश्लील या ऐसा ही कोई शब्द कह सकते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि उस सुमो में डिसिप्लिन है ही नहीं। और कहानी के इस हिस्से में वो रस्सी से बनी लंगोट आपको यही बताती है। आपको समझना होगा कि डिसिप्लिन एक रस्सी की तरह होता है जो कि छोटे छोटे करेज के धागों से बना होता है, और ये करेज आपको उन बातों के लिए दिखाना होता है जो आपके करने का मन नहीं है लेकिन आपकी बेहतरी के लिए जरूरी है। और जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन भी आ ही जाएगा। यहाँ आप लोग सवाल करेंगे कि उस स्टॉपवॉच का क्या मतलब है और वो किस बात का एग्जाम्पल है, तो उसका जवाब है वक्त। हम सभी को लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन असल में हर गुजरते पल के साथ हमारा वक्त कम होते जाता है। हम सोचते हैं कि कुछ नया सीखना है तो बाद में सीख लेंगे, कुछ करना है तो बाद में कर लेंगे और जीना है तो बाद में जी लेंगे, लेकिन अचानक हमें पता चलता है कि हमारे पास तो वक्त है ही नहीं। जितना वक्त था वो सब जा चुका है और हमारी जिंदगी का पहलवान मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है।
इस स्टॉपवॉच से आपको ये याद रखने में मदद मिलेगी कि आपके पास सिर्फ आज का वक्त है। तो अपनी ज़िंदगी को अभी में जीना शुरू कर दीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके उन पर आगे बढ़िए और सभी के लिए अच्छे काम करते रहिए। साथ ही अपनी ज़िंदगी को जीने का नज़रिया पॉजिटिव कर लीजिए। ये पॉजिटिव नज़रिया उन गुलाब के फूलों की खुशबू की तरह होगा जो आपके बुरे वक्त में आपको सहारा देंगे। अगर आप कभी अपनी हिम्मत हार भी जाते हैं तो आपका पॉजिटिव नज़रिया आपके साथ आकर आपकी मदद करेगा ताकि आप फिर से खड़े हो सकें। सुमो पहलवान को फिर से ताकत देने वाले गुलाब के फूल भी आपको यही सिखाते हैं। और अगर आपने अभी तक अपनी सोच को निगेटिव बना कर रखा था तो भी कोई बात नहीं, अब आपके पास वक्त है कि आप उस गलती को सुधार लें। हमेशा ध्यान रखिए कि पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा वक्त आज से 30 साल पहले था, पर दूसरा सबसे अच्छा वक्त आज है। तो जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उस पर आप ही का कंट्रोल है। तो ये कंट्रोल आप अपने पॉजिटिव नज़रिए से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से पा सकते हैं। इस कहानी में जो आखिरी बात थी वो ये थी कि हमारा पहलवान खड़ा हुआ और फिर एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ गया जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे खूबसूरत हीरे लगे हुए थे। ये हीरे असल में और कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी में आने वाले छोटे छोटे खुशनुमा पल होते हैं जिन्हें हम कभी जीने की कोशिश ही नहीं करते और हम हमेशा ही आगे की तरफ देखते रहते हैं। हो सकता है ये खुशनुमा पल आपके बच्चे के साथ पार्क में बिताया हुआ एक दिन हो, या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ प्यारी सी लड़ाई और पैचअप हो, या फिर आपकी सफलता पर आपके पिता की आंखों में खुशी के आंसू भर आना, या कुछ और। ये पल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन पलों की खुशियों को आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आप उन्हें आज में जीने लगें। और साथ ही जो बुरी यादें हैं उन्हें बेकार पत्थरों की तरह फेंकते रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बनी रहे। इस बात को हमेशा याद रखिए कि यादें भविष्य में आपको तभी खुशियां दे सकती हैं जब आपने उन यादों को अपने आज में जिया होगा। तो अपनी खुशियों को एक अंतहीन सफ़र मानिए, सफलता का आज में मजा लीजिए, हर असफलता से सीखिए और अच्छी यादों को अपने साथ रखकर आगे बढ़ जाइए। ये 7 बातें मैंने आपको रॉबिन शर्मा की किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी से बताई है। यकीन जानिए इस किताब में आपको इन 7 बातों से बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस किताब को पूरा ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप चाहें तो इस किताब को नीचे दी हुई लिंक से खरीद सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह की वीडियो पोस्ट करता रहूँगा मोस्टली हर हफ्ते, तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाकर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लीजिए और सेव कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो आपको तुरंत अलर्ट मिल सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।